जय महाकाल दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ भले चंगे होंगे मजे में होंगे दोस्तों हमारी भारतीय संस्कृति में भारतीय घरों में रसोई में कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कई ऐसे मसाले कई ऐसी चीज़ें जो देवी देवताओं को अति प्रसन्न करते हैं या उनका प्रतीक माने जाते हैं ऐसी वस्तुओं के सेवन करने से कई देवी देवता प्रसन्न होते हैं आपने देखा होगा स्वयं अपने जीवन में महसूस में किया होगा या कई अपने आस पड़ोस के लोगों में आपने महसूस किया होगा कि कभी कभार कोई ऐसा काम होगा कि जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये काम बिल्कुल भी बनेगा नहीं या इस काम में काफ़ी अड़बंगे आ रहे हैं और जब आप किसी दिन उस कार्य को करने के लिए जाएंगे तो वो काम बड़े ही आसानी से हो जाएगा बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगा तो ऐसे समय में क्या होता है कि आपने कोई चीज़ ऐसी सेवन कर ली खा ली या किसी चीज़ को छू लिया या देख लिया तो ऐसा करने मात्र से उस चीज़ से संबंधित देवी शक्ति पूरे दिन आपके साथ रहती है और ऐसा होने से उस दिन आपका कोई भी काम बिगाड़ नहीं सकता है आपका कोई व्यक्ति बाल बाका नहीं कर सकता है तो बड़े ही आसान तरीके से आपके काम निकल जाते हैं तो ऐसी ही एक चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हर भारतीय घरों में रसोई में मिलेगी और यदि व्यक्ति उसका सेवन करता है तो उसके सेवन करने से स्वयं हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और जिस व्यक्ति पर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं उसके ऊपर मंगल और शनि की कृपा रहती है मंगल और शनि हमेशा शांत रहते हैं अब ये जो तीन देव हैं यही देव सबसे ज़्यादा किसी का बिगाड़ सकते हैं या सबसे ज़्यादा भला कर सकते हैं यदि ये रुष्ट हो जाते हैं किसी कारण से तो व्यक्ति को ऊपर से नीचे ज़मीन दोस्त कर देते हैं और यदि ये किसी पर प्रसन्न है तो ज़मीन पे पड़ा इंसान भी महलों में राज करता है तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूट रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ वो उपाय के जिसको करने से हनुमान जी आप पर प्रसन्न रहेंगे मंगल और शनि शांत रहेंगे अपनी कृपा बरसाएंगे इससे आपके सारे ही काम बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से और सरलता से हो जाएंगे तो आपको करना क्या है मंगलवार के दिन सवेरे जब आप स्नान आदि नित्य कर्म कर लें पूजा पाठ यदि करते हैं तो वो कर लें ध्यान प्राणायाम आसन करते हैं तो वो जब आपका संपूर्ण सब समाप्त हो जाता है इसके बाद आप क्या करें कि जो देसी गुड़ आता है देसी गुड़ की आप छोटी सी कंकरी या ढेला ले लें यदि पसंद है तो ढेला ले लें पसंद नहीं है तो थोड़ी सी कंकरी ले लें और इसको मुंह में रखें दांतों से चबाए नहीं और इसका रस आप धीरे धीरे निगलते जाएं और ओम नमो हनुमते ओम नमो हनुमते ऐसा बोलते जाएं जब तक ये गुड़ आपके मुंह में है तब तक आप ओम नमो हनुमते आंख बंद करके या चलते फिरते जैसे आपको ठीक लगे लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए उसमें ये बोलते रहें ओम नमो हनुमते ऐसा बोलते रहें जब तक वो गुड़ का ढेला आपके मुंह पर है इसके बाद क्या करें कि जब आप तैयार हो जाएं और जब घर से बाहर निकलने लग जाएं वैसा ही थोड़ा सा देसी गुड़ का ढेला एक लाल कपड़े में लपेट करके अपने सीधे वाले पॉकेट में जेब में डाल लें उल्टे वाले पॉकेट में नहीं डालना है सीधे जेब में आप डाल ले। और निकल जाए जहाँ कहीं भी आपको मंदिर दिखता है और ये हनुमान जी का मंदिर दिख जाता है तो अति उत्तम है सबसे पहले आपको प्रयत्न करना है कि हनुमान जी का मंदिर ही आपको तलाशना है या आपके रास्ते में आता है तो इस तरह का रास्ता पसंद कीजिए कि वहाँ से होकर जाइए और वहाँ पर बैठे किसी व्यक्ति को आप वो गुड़ निकाल करके दे दीजिए और कपड़े को जेब में रख लीजिए पूरा दिन पूरा दिन आपके साथ में ये देवी शक्तियाँ चलेंगी कोई भी व्यक्ति या कितने भी व्यक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं किसी में ताकत नहीं है दम नहीं है किसी की कि आपका बाल बा कर सके या आपका काम जरा सा भी बिगाड़ सके जो भी काम आप सोचेंगे वो आपके बनेंगे पैसे टके से लेकर के जो कुछ भी आप सोचेंगे आपके काम पूर्ण होंगे कम से कम पांच मंगलवार इस उपाय को करें लाल कपड़ा आपको यही रखना है इसके बाद भी आप इस कपड़े को यूज़ में ले सकते हैं पूजा में या कहीं पर आप इसको जल प्रवाहित कर दें हर दफ़े इस कपड़े को धो लें इसमें गुड़ जेब में रख लें हनुमान मंदिर के बाहर किसी व्यक्ति को आप ये गुड़ दे दें कपड़े को पूर्त करके अपनी जेब में पूरा दिन ले करके घूमें ये शक्ति आपके साथ चलेगी जहाँ जहाँ जाएंगे आपके साथ में एक शक्ति चलेगी आपके आगे आगे आपका काम बनाएगी आपके विरोधी जो आपके बारे में कुछ भी सोच रहे हैं आपके जाने से पहले आपके आने के बाद उस दिन कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे तो यदि कोई भी आपका मंगलवार के दिन ऐसा काम है जो बरसों से अटका पड़ा है पैसे की लेन देन है कोई भी चीज है निश्चिंत होकर के इस उपाय को करके चले जाइए और बहुत ही आसानी से आपके सारे काम हो जाएंगे बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए देव प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए धन्यवाद